क्वेश्चन रेज हुआ कि इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, अपना भाषा मातृभाषा वो तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि मातृभाषा आपका लिए भगवान जैसे है। आपका मातृभाषा मदर टंग, किसी का हिंदी, किसी का बांग्ला, किसी का उड़िया, किसी का भोजपुरी, जो मातृभाषा है आदिवासी लोग का मातृभाषा सांवताली है, हो है, सब अपना अपना भाषा को आपको इज्जत करना ही है। मातृभाषा आपका लिए माँ जैसे है, मातृभाषा को याद जिंदगी भर रखिए। लेकिन इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, भयंकर रूप से आगे बढ़ने के लिए आपको इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध, सबसे विख्यात और हर कंट्री में जो चलेगा, जाने से कोई दिक्कत नहीं होगा दूसरा कंट्री में, अपना इंडिया में भी कोई चीज हिंदी में लोकल भाषा में जरूर फॉर्म भरा जा रहा है, छोटा छोटा फॉर्म भी आपको इंग्लिश में भरना पड़ता है। तो हर पल में इंसान का, हर जिंदगी का हर पल में इंग्लिश का जरूरत पड़ रहा है, इसलिए इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना बहुत ही जरूरी है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का पहले आपको बता रहा है, इस दुनिया में रिकॉर्डेड यानी कि पंजीकृत भाषाएं का रिकॉर्ड बता रहा है 6500 भाषा रिकॉर्ड किया गया, और भी लोकल भाषा, छोटा छोटा भाषा जो रिकॉर्ड नहीं है वो 6500 में नहीं आ रहा। इस दुनिया में रिकॉर्डेड 6500 भाषाएं है। इसके अंदर मोस्ट पॉपुलेटेड, सब जगह में चलने वाला भाषा है इंग्लिश। कोई भी कंट्री में जाइए इंग्लिश आपको हेल्प कर देगा, तो इंग्लिश को सीखना भी आपको चाहिए। तो इसलिए इंग्लिश का कुछ विशेषता, स्पेशलिटी बताना चाहता हूँ, जिसका बाद आपको इंग्लिश सीखने का भी इच्छा भी हो जाएगा। हेल्प यू टू गेट यू ए जॉब, इंग्लिश सीखने से आपको एक जॉब मिलेगा, नौकरी मिलने का सुविधा रहेगा। कोई हिंदी मीडियम से पढ़ाई भी किया लेकिन बड़ा बड़ा कंपनी में इंटरव्यू होता है इंग्लिश में, आपको पूछा जाएगा तो आपको जॉब मिलने का लिए सुविधा रहेगा इंग्लिश में। सेकेंड है, इट्स ए ग्लोबल लैंग्वेज, इस दुनिया का हर कंट्री में इसका भाषा चलता है, ग्लोबल लैंग्वेज बोला जाता है, मैं तो बता चुका हूँ, इसलिए ग्लोबल लैंग्वेज है। तो तीन नंबर, इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स पेपर्स रिटन इन इंग्लिश, जो जो जरूरतमंद कागजात है, इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स है, सब इंग्लिश में ही लिखा जाता है। लोकल भाषा हिंदी में भी कुछ कुछ है, लेकिन इंग्लिश में आपका दलील, आपका रिकॉर्ड जितना भी है सब कुछ, और बहुत कुछ बिजनेस का पेपर सब इंग्लिश में ही लिखा जाता है। हेल्प यू टू मीट वर्ल्ड पीपल, इस दुनिया का हर एक इंसान का साथ आप मिलेंगे जब बाहर में जाके, दूसरा कंट्री में जाके, तो आपको दूसरा कंट्री का इंसान का साथ, दूसरा कंट्री का ह्यूमन का साथ मिलने के लिए आपको इंग्लिश भाषा ही मदद करेगा। प्लेन से सफ़र कर रहे हैं अमेरिका, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, बहुत दिक्कत में पड़िएगा। प्लेन से जा रहा है आप चाइना, प्लेन से जा रहा है आप जापान, जर्मन, स्पेन, आपको इंग्लिश भाषा हेल्प करेगा, उस कंट्री में भी जाके इंग्लिश भाषा हेल्प करेगा। तीसरा, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंटरनेट आप खोलेंगे तो इंग्लिश में ही सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें तो हिंदी है नहीं। गूगल यूज करेंगे तो इंग्लिश में ही है सब कुछ। और ट्रैवलिंग इंडस्ट्रियल वर्क, इंटरव्यू, बिजनेस, सब में इंग्लिश ज़रूरत पड़ेगा, हर चीज़ में। ट्रैवलिंग सफ़र करेंगे, इंडस्ट्री कारखाना में काम करेंगे या कारखाना फैक्ट्री चलाएंगे या मान लीजिए बिजनेस करेंगे, सब जगह इंग्लिश है। टैक्स भरेंगे, यहाँ पे भी जाएंगे,
अनदर वर्ल्ड वाइड स्टडी कल्चर। अब जैसे इस दुनिया का कहीं भी पढ़ने गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, तो वहाँ पे तो हिंदी चलेगा नहीं, हायर स्टडी के लिए ऊँचा। अब यहाँ पे इंडिया में से डॉक्टर बना, वो तो इंग्लिश में ही डॉक्टर बना, फिर भी आप अगर डॉक्टरी का स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस देने के लिए लंदन, पेरिस, एडिनबर्ग, दूसरे कंट्री से स्पेशलिस्ट बनने के लिए आप जब जाएंगे डॉक्टर बनने के लिए, आपको इंग्लिश का माध्यम से ही सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश मस्ट है। अनदर 6500 लैंग्वेज है इंग्लिश में। तो इंग्लिश सीखने का जो हम आपको पॉलिसी बता रहे हैं, एवरीथिंग, इस दुनिया का सब कुछ चालू हुआ और अंत होगा, धीरे धीरे शुरू होता है, धीरे धीरे अंत होता है। आपको वो तो सीखा था इंग्लिश सीखने के लिए, जो लड़का अभी मॉडल बॉय बन रहा है, इंग्लिश नहीं जानता है, उसको बोलने का चांस नहीं मिला राउरकेला में, रांची में, धनबाद में, तो इंग्लिश जो बोल पाया वो टॉपर हो गया। ऑर्डिनरी काम में भी इंग्लिश का जरूरत है, बिना इंग्लिश में आपको बहुत ऊपर पोस्ट में जाएंगे चांस हो सकता है नहीं मिले, हो सकता है मिलने का चांस कम हो, तो आपको इंग्लिश प्रैक्टिस, रेगुलर रीडिंग, लर्निंग ये ज़रूरत है। तो इसके लिए आप तो शुरू ही किए थे बचपन से, ABCD से चालू किए, उसको हम लोग को पास आके सीख लाए, आगे बढ़ेंगे उम्मीद है। तो इंग्लिश इज़ एवरीवेयर।